तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पास मिनी इन्वर्टर है, तो इसे डिजिटल CFL सिस्टम भी कहते हैं। तो ये 60 वाट का है, तो ये दो लैंप को ग्लो करता है। तो इसमें एक स्विच ख़राब हो चुका है, तो बर्न हो गया है स्विच, तो स्विच को रिप्लेस करना है। रिप्लेस करके मुझे न्यू स्विच बिठाना है, तो उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, किस तरह मैं स्विच को कनेक्ट चेंज कर कर और आपको पूरा फुल डिटेल बता दूंगा इसका रिपेयरिंग करने का। तो उससे पहले मैं स्क्रू खोल लेता हूँ, तो मैं स्क्रू खोलने को बता दूंगा पूरा फुल कंडीशन। तो ये स्विच है, ये स्विच काम नहीं कर रहा, तो उधर वाला काम कर रहा है, ये देखिए काम है सही। तो ये स्विच बर्न हो गया है, तो इसे चेंज करना है। तो स्विच चेंज करने के लिए आपको केयरफुल से निकाल देना, नहीं तो एक भी वायर कहीं पर भी निकल गया तो पूरा आपका ख़राब होगा CFL। तो उसको केयरफुल से निकालना, उसके बाद आपको यहाँ पर पिन होते हैं, पिन देख लेना एक बार। आप ये स्विच हमारा चेंज करना है, तो पहले हम ये जो कंडीशन वायरिंग होता है उसको पूरा केयरफुल से देखकर, आपको एक फ्लक्स एंड शार्डर मशीन चाहिए आयरन। तो उसके बाद आपको केयरफुल से उसका शार्डर निकाल लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मैं जिस तरह यहाँ पर निकाल रहा हूँ उस तरह केयरफुल से निकाल लेना। उसके बाद नीचे का भी पॉइंट होता है, नीचे पॉइंट भी निकाल लेना। निकालने के बाद आपको स्विच आराम से निकाल लेना, बाद में वायर कहीं पर छूट ना जाए, केयरफुल से। शार्डर करने के बाद आपको केयरफुल से निकाल लेना। उसके बाद शार्डर पूरा निकलने के बाद थोड़ा सा स्विच को पुश करेंगे, जिस तरह मैं कर रहा हूँ तो उस तरह करेंगे तो निकल जाएगा। तो ये पुराना है, इसको बेकार है, इसको साइड में रख लेते हैं। तो मार्केट से मैं एक न्यू स्विच परचेज किया है, तो उसे न्यू किस तरह लगाना मैं बता देता हूँ। जिस तरह हम पुश करेंगे उस तरह से देख कर राइट मेथड से पुश करेंगे तो उस तरह बैठ जाएगा। और बाद में जिस तरह कहाँ का वायर वहाँ पर था स्विच में, फेस कनेक्शन का वो स्विच कनेक्शन कीजिए, उसके बाद आपको केयरफुल से शार्डर कीजिए, नहीं तो आपके कहीं हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पर मैं शार्डर कर रहा हूँ वायर को टाइट कर कर, और ये आयरन वायर से हम जॉइंट करेंगे उसको। तो मेरे पास यहाँ पर ये वायर जॉइंट नहीं हो रहा है, तो ये न्यू स्विच है इसलिए वायर को जॉइंट नहीं हो रहा है। तो एक वायर स्टिपर से लेकर उसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए, स्विच पर थोड़ा सा स्क्रैच कीजिए, उसके बाद आपका फ्लक्स बढ़ जाएगा, वायर शार्डर बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जिस तरह कर रहा हूँ उस तरह कनेक्शन कीजिए, तो ज़्यादा टेंशन नहीं हो है रिपेयर करना, तो केयरफुल से करना फ्रेंड्स। तो दोनों पॉइंट्स को स्विच के एक मैंने कनेक्शन किया है, तो अभी हमारा वर्किंग कंडीशन में है, तो इसको चालू करके बता दूंगा मैं आपको। तो मैं वायर लगा लेता हूँ उससे पहले, ये देखिए, ये देखो हमारा लैम्प ग्लो कर रहा है, तो ये चालू हो गया हमारा। तो उससे बाद हम स्क्रू से टाइट कर देंगे CFL को। तो ये देखिए मैं स्क्रू कर लगा कर टाइट कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रू टाइट हो गए, तो हम इसको लैंप लगाकर भी ग्लो करके बता दूंगा। ये देखिए लैंप लगा रहा हूँ मैं, तो ये देखिए स्विच ऑन, जैसे ही ऑन किया पूरा दोनों लाइट ग्लो करने लगा।